मिस महाराष्ट्र एलिट 2019 में की विनर मिस रिया मेहंदी दत्ता ने ध्रुवराज व्यू के ऑफिस में आज सदिच्छा भेंट की है। पहला तो उनको मैं अभिनंदन करता हूँ और उनके इस कंपटीशन के बारे में पूछता हूँ। पहला तो आपका अभिनंदन करता हूँ, ये कंपटीशन पाकर आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच। और ये कंपटीशन जीत के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है और बहुत सपोर्ट मिल रहा है। एंड बहुत मेहनत की है मैंने इसके लिए, एंड सिर्फ इसी के लिए नहीं, लाइफ में जो भी जीता है उसके लिए बहुत मेहनत की है। और मुझे बहुत ही आज प्राउड फील होता है कि मैं आज यहाँ पर हूँ, स्टेज पर हूँ और मेरे सर पर ये क्राउन है। आपको ये कंपटीशन जीतने के लिए कुछ खास तैयारी करनी पड़ती है क्या? जी डेफिनेटली, बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, जैसे कैसे चलना है, कैसे बोलना है, क्या स्किल्स होती है और आपकी पढ़ाई क्वालिफिकेशंस कितनी है। सो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है और बहुत मेहनत लगती है एंड बहुत प्रिपरेशंस की है। और सोने भी नहीं मिला है काफ़ी टाइम, खाने नहीं मिला है, खाना स्किप हुआ है, बट लास्ट में सब कुछ वर्थ इट है। ये पुरस्कार पाने के लिए सबसे ज़्यादा आपको किसने प्रोत्साहित किया? सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स मेरी मॉम ने, क्योंकि मम्मा हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है मेरे डिफ़िकल्ट टाइम्स में, मेरे हैप्पीनेस के टाइम्स में, एंड मुझे वहाँ तक लेके जाना, मुझे वहाँ से वापस लेके आना और खाना टाइम पर देना, ठीक से तैयार हुई या नहीं हुई वो देखना, एंड बहुत बहुत मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है, पापा ने भी किया है, बट ऑफकोर्स मम्मी इज़ क्लोज। ये आपका फ्यूचर में आगे इसके बारे में क्या प्लान है? इसके बारे में तो ऐसे प्लान, बहुत प्लान्स है कि अभी ये महाराष्ट्र लेवल है तो अभी और एक ऊंचे लेवल पे जाना है और ऐसे आगे बढ़ते रहना है, देखते हैं मेरी मेहनत मुझे कहाँ तक पहुँचाती है। और सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, मैं एक डांसर भी हूँ तो उस फील्ड में भी मुझे आगे जाना है, एंड एट द सेम टाइम मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, फाइनल ईयर में हूँ तो पढ़ाई में भी मुझे उसी तरह से आगे जाना है, MBA करना है, तो इसी तरह से हमेशा आगे बढ़ते रहना है। आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिपोर्टर जालिंदर साळवे के साथ DRV न्यूज़, कैमरामैन हर्षित कांबळे, मुंबई।